बंदी सिंघा की रिहाई को लैके लगातार आवाज़ जिहड़ियां उठाईयां जा रही ने कि बंदी सिंघा जिहड़े काफ़ी अपनी जेलों के जिहड़ी अपनी सजावां भुग चुके हुए ने पर उन्हां नूं हजे तक बाहर नहीं कढ़िया जा रहा जिथे कि कुछ राजनीतिक ऐसे ने कि जिहड़े कि उन्हां दी रिहाई नूं लैके बहुत ही जिहड़ा कि आवाज़ उठा रहे कि बाहर ना आउण पर उन्हां दी रिहाई जिहड़ी बंदी भी है पर उन्हां नूं रिहा नहीं किया जा रहा। पिछले 2-3 दहाकियां तों वध समय तों पंजाब अते पंजाब दी बाहरलियां जेलां दे विच बड़े लंबे समय तो संताप हंडारे ने अपनियां सजावां भी पूरियां कर चुके ने उन्हां दी रिहाई नूं लै करके असी पूरे पंजाब दे 117 विधायकां नूं मिल रहे हां। उहदा पिछे कारण मुख रूप विच इह हैगा है कि इह विधायक जिथे इह लॉ मेकर ने उत्थे नाल दे नाल इन्हां दे उत्ते एक संविधानिक जिम्मेवारी है कि संविधान दीयां धारावां दे मुताबक लोकां नूं इंसाफ मिले। तो जिहड़ियां अदालतां वल्लों बंदी सिंघां नूं सजावां दित्तियां गईयां सीगियां उह उन्हां ने बहुत लंबा समां पहलां पूरियां कर लईयां। गुरदीप सिंह जिहड़े ने खैड़ा उन्हां नूं 32 साल हो गए, प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं 28 साल हो गए। इस तरीके दे नाल साडे बंदी सिंह जिहड़े ने 27-28 सालां तों उम्र कैद कट्टण दे बाद रिहा नहीं कीते जा रहे। असीं विधायकां नूं बेनती करन लई इत्थे आए सीगे कि तुसीं विधानसभा दे विच इक मता पास करो जिहदे नाल कि इन्हां दी रिहाई जिहड़ी है संविधानिक रूप दे विच संभव हो सके। बंदी सिंघा दी रिहाई नूं लै के लगातार आवाज़ जिहड़ियां उठाईयां जा रहियां ने कि बंदी सिंघा जिहड़े काफ़ी अपनी जेलां दे विच जिहड़ी अपनी सजावां भुग चुके हुए ने पर उन्हां नूं हजे तक बाहर नहीं कढ़िया जा रहा जिथे कि कुछ राजनीतिक ऐसे ने कि जिहड़े कि उन्हां दी रिहाई नूं लै के बहुत ही जिहड़ा कि आवाज़ उठा रहे कि बाहर ना आउण पर उन्हां दी रिहाई जिहड़ी बंदी भी है पर उन्हां नूं रिहा नहीं किया जा रहा। सो काफ़ी ये संस्थावां सामने आ रही ने। अज भी वेखन मिले डॉक्टर कश्मीर सिंह सोल तरन तरन के जो विधायक ने आम आदमी पार्टी के उन्होंने भी आके मिले ने तो उन्होंने वालों ये आवाज़ उठाई कि बंदी सिंघां की रिहाई जड़ी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि वह भी अपने परिवार को मिल सकन अपने परिवार के आ सकन जो वाक्य होंगे ने वो जो कि अदालतों ने बया कर दिंदियां ने कि अदालत वालों उन्होंने ये सजा उन्होंने है वह भुगतनी है जो भुगत जाते ने तो फिर उन्होंने फर्ज बनता है कि उन्होंने रिहा किया जाए। अज मैनू जी हवारा कमेटी रिहाई फ्रंट वालों डेपुटेशन मिलिया वा कि जेडे कुछ बंदी सिंह ने वो अपनी सज़ा जी पूरी कर चुके ने पर फिर भी उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। सो मैं मंग पत्र दे के गए ने कि मैं ये जड़ा वा सरकार नू पहुँचावांगा। बाकी वेखो जी जो भी है कानून मुताबक होना चाहिए वा जो कानून मुताबक वो रिहा होने चाहिए तो जरूर होने चाहिए आ क्योंकि जो साडा संविधान आ जो दे विच कानून कहिंदा वा उहदे मुताबक ही काम होना चाहिए वा संविधान तो बाहर काम नहीं होना चाहिए। तो इस करके जिहड़ी इन्हां दी ये मंग आ इन्हां नूं सरकार तक पहुँचाया जाऊगा। सो साडे नाल इत्थों दे जिहड़े आए ने मोहतबार जिन्हां ने डॉक्टर कश्मीर सिंह सोल नूं अपना मेमोरेंडम दिता है कि विधानसभा दे विच उसकी आवाज़ उठाई जाए तां साडे नाल मौजूद ने। सर तुहाडा नाम? प्रोफेसर बलजिंदर सिंह हवारा कमेटी रिहाई फ्रंट तो साडे नाल इस वेले साडी टीम दे मैंबर बहुत ही सत्कारयोग भाई सतनाम सिंह जी खंडा, भाई महावीर सिंह जी, बलदेव सिंह जी पिद्दी तो, सुखविंदर सिंह जी इसी के नाल पुचर साहब सारे वीर साढ़े आए ने साढ़े नाल। अज असी इत्थे तरन तारण दे विधायक साहब नूं डॉक्टर सोल साहब नूं
इत्थे मंग पत्र देण आए सीगे। जिहड़े बंदी सिंह पिछले 2-3 दहाकियां तो वध समय तो पंजाब अते पंजाब दी बाहरलियां जेलां दे विच बड़े लंबे समय तो संताप हंडारे ने, अपनियां सजावां भी पूरियां कर चुके ने, उन्हां दी रिहाई नूं लै करके असी पूरे पंजाब दे 117 विधायकां नूं मिल रहे हां। उहदा पिछे कारण मुख रूप विच इह हैगा है कि ये विधायक जिथे ये लॉ मेकर ने उत्थे नाल दे नाल इन्हां दे उत्ते एक संविधानिक जिम्मेवारी है कि संविधान दीयां धारावां दे मुताबक लोकां नूं इंसाफ मिले। तो जिहड़ियां अदालतां वल्लों बंदी सिंघां नूं सजावां दित्तियां गईयां सीगियां उह उन्हां ने बहुत लंबा समां पहलां पूरियां कर लईयां। उदाहरण दे तौर दे उत्ते उम्र कैद जिहड़ी है उह 14 साल 15 सालां विच खत्म हो जांदी है, लेकिन गुरदीप सिंह बठिंडा गुरदीप सिंह जिहड़े ने खैड़ा उन्हां नूं 32 साल हो गए, प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं 28 साल हो गए। इस तरीके दे नाल साढ़े बंदी सिंह जिहड़े ने 27-28 सालां तों उम्र कैद कट्टण दे बाद रिहा नहीं कीते जा रहे। असीं विधायकां नूं बेनती करन लई इत्थे आए सीगे कि तुसीं विधान सभा दे विच इक मता पास करो जिहदे नाल कि इन्हां दी रिहाई जिहड़ी है संविधानिक रूप दे विच संभव हो सके। असीं इक उदाहरण दित्ती है कि तमिलनाडु दे विच जिस वेले जयललिता दी सरकार सीगी उस वेले भी उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारियां के हक के आवाज़ बुलंद की सी। सितंबर 2018 दे विच तमिलनाडु की विधानसभा ने एक मता पास करके राजीव गांधी के हत्यारे जो कि उम्र कैद पूरी कर चुके सके उन्हां दी रिहाई के हक के मता पास किया सीगा। होर उसकी रिकमेंडेशन गवर्नर साहब नूं कीती सीगी, बाद दे विच राष्ट्रपति कोल रिकमेंडेशन गई, लेकिन फाइनली जिहड़ा सीगा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 दे अंडर अपने अधिकारां दी वरतों करदे होए उन्हां दा एक राजीव गांधी दा एक हत्यारा मई 2022 दे विच रिहा करता। जेकर तमिलनाडु दे लोक एक जनता दी आवाज़ बना करके विधायकां नूं बेनती करके मते उत्थे पास हो सकदे ने, साडा सवाल है कि ये बंदी सिंह जिहड़े ने ये पंजाब दे डोमिसाइल ने, पंजाब दे नागरिक ने, होर इन्हां ने एक चंगा व्यवहार देंदे हुए गुड कंडक्ट दे नाल सजावां पूरियां कर लईयां ने। इस करके इन्हां दा संविधानिक अधिकार बनता है कि इन्हां नूं रिहा किया जाए। जेकर असी गल करिए भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 बड़ा स्पष्ट है और उस सारियां दे उत्ते लागू है, इंडियन सिटीजन सारियां ते लागू है, जिहदे मुताबक की है कि हर व्यक्ति नूं जीवन दा हक भी है, आज़ादी दा हक भी है। जद इन्हां दा एक परोल दे उत्ते आंदे हुए व्यवहार बहुत चंगा है, चंगा कंडक्ट है, फिर इन्हां दी रिहाइयां किहड़े कानून दे हेठ रोकियां होईयां ने, इस चीज़ के वास्ते असी विधायकों नूं मिल रहे हैं, बेनती कर रहे हैं। अज डॉक्टर सोल साहब ने बहुत ही प्यार नाल, बड़े निघे सुभाव दे नाल उन्होंने ये सारिया गल्लां बड़े प्यार नाल सुनिया और सानू भरोसा दिता कि ये जिहड़ियां उन्हां साडियां मंगां ने ये बिल्कुल जस्टिफाइड ने, ये बिल्कुल दुरुस्त ने, वो संविधान के घेरे दे विच आंदियां ने। तो उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के मुताबक जिहड़ा है असी जिहड़ा है जरूर ये बारे कोई ना कोई कदम जिहड़ा है जरूर चुकांगे। हुण तक साडा तजर्बा यह है असी तरन तारण जिले तो विधायकों नूं मिल चुके हाँ, अमृतसर के जिले मिल चुके हाँ, गुरदासपुर के जिले मिल चुके हाँ, तो नाल दे नाल साडियां वख-वख टीमां जिहड़ियां ने वो मालवे दे विच भी वर्क कर रही ने। सो हुण तक का साडा तजर्बा यह कहिंदा है कि विधायकों वालों चाहे वह कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक है चाहे वह आम पार्टी का है, वो अपने पार्टी पद्धर तो उठ के जिहड़ा है विधानसभा दे विच ये मता पास करन। ऐ ना वेखिया जावे कि किहड़ी पार्टी नाल संबंधित हाँ किहड़ी पार्टी नाल नहीं संबंधित। इत्थे गल मैं एक होर कहना चाहवांगा कि पंजाब दे विच एक दो व्यक्ति ऐसे ने जिहड़े कि ये रिहाइयां दी विरोधता करदे ने कि रिहाइयां हो गईयां तो पता नहीं पंजाब दे विच की हो जाएगा, हालात ना खराब हो जाण। मैं एक गल बड़े स्पष्ट रूप विच कहना चाहुंदा कि जिहड़े हुण तक भाई लाल सिंह जी रिहा होकर आए ने, इहदे अलावा होर बहुत सारे बंदी सिंह रिहा होकर जिहड़े आए ने, उन्हां दे आण दे बाद
उस समाज दे विच रह करके अपना कार विहार कर रहे ने, अपने परिवारों दे विच बैठे ने। सो इस करके इस प्रकार की गुमराहकुन प्रचार करना कुछ लोगों वालों जिहड़ा है, असी उहदी भरपूर तुहाडे माध्यम दे राही निंदा भी करते हैं। तो असी यह भी गल कहना चाहते हैं कि ये बंदी सिंह जिहड़े ने यह कई लंबे समय तो 6-7 साल तो यह परोल ते आ रहे हैं, छुट्टियां ते आ रहे हैं। और हरेक नूं पता है कि छुट्टी तां मिलती है जेकर इंटैलीजेंस रिपोर्टां, पंजाब पुलिस की रिपोर्टां जिहड़ियां ने, IB दी रिपोर्टां उहनां दे हक विच होणगियां। सो सारा कुछ जिहड़ा है बंदी सिंघां दे हक विच है, पुलिस दीआं रिपोर्टां उहनां दे हक विच ने, संविधान उहनां दे हक विच है, कानून उहनां दे हक विच है, लोकां दी आवाज़, जमहूरीयत दी आवाज़ उहनां दे हक विच है, विधायक उहनां दे हक विच ने। फिर मैं समझदा कि इन्हां दी रिहाई जिहड़ी है ये तुरंत होनी चाहिए है। अखीर दे विच असीं तुहाडे माध्यम राही एक केजरीवाल साहब नूं बेनती करदे हां कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा केस किसे भी संविधानिक रुकावट नहीं हैगी, कानूनी रुकावट नहीं हैगी, उत्थे सिर्फ ते सिर्फ केजरीवाल दे सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए ने जिहदे नाल उहनां दी रिहाई हो जाएगी। सो यह भी मावां ते पुत ने, यह भी परिवार विच आ के रहना चाहते ने। सो जेकर असी अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकारां दी गल करिए तां उहदे मुताबिक भी इहनां दा हक बनता है। सो असी तुहाडे माध्यम दे राही पूरे पंजाब दे विच अते जमहूरीयत नूं पसंद करन वाले सारे लोकां नूं अपील करदे हां कि इस संबंध दे विच उहनां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद की जाए। सो साढ़े नाल सिंह साहब है ने जिन्हां ने कि राम रहीम नूं तलब किया, उहनां नाल भी गल करांगे। सर तुहाडा नाम सिंह साहब? मेरा नाम सतनाम सिंह। सतनाम सिंह जी, तुसी राम रहीम नूं तलब किया सी उस वक्त, उदों भी तुहाडी आवाज़ सी और तुहानूं भी बरखास्त कर दिता गया सी? नहीं, राम रहीम नूं तलब नहीं किया, असी जथेदारां नूं तलब किया सी। जिहड़ा अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने उहनूं माफ़ी दित्ती सी, ते उस तों बाद सुखबीर बादल ने ते मजीठिया ने ते जिहड़ा दलजीत सिंह, डॉक्टर दलजीत सिंह जिहड़ा इहनां दा, उन्हां ने चीमा, उन्हां तिन्हां ने साडे आर्डर पा के सानूं डिसमिस किया सी। असी उदों बाद कौम की कचहरी विच आ, ते अज असी भी जिथे भी किते प्रोफेसर साहब जां हवारा कमेटी जिहड़ी सत्ते किते जांदी असी उत्थे पहुँचदे हाँ। असी अपना हक मंगदे हाँ, असी किसे तो कोई मतलब खैरात नहीं मंग रहे, क्योंकि साडी कौम का हक है भी जिन्हां ने पूरिया सजावां पूरियां कर लईयां ने उहनां नूं रिहा करना भारत सरकार का बहुत जरूरी है। क्योंकि जे राजीव गांधी दे कातल नूं छड्डिया जा सकता है, ते तां दिल्ली दे लागे एक बंदा जिहड़ा छोटे बच्चियां नाल बदफैलियां करदा सी, उहनूं जेकर 8 साल बाद जे उहनां नूं कहिंदे भी इहदा हुण जिहड़ा बिहेवियर ठीक है, ते उहनूं छड्डिया जा सकदा जिहड़ा अणमनुखी कम करदा। ते इह जिहड़े सिंघ ने, इहनां ने अपने घरदिआं वास्ते जां अपने बच्चियां वास्ते कुछ नहीं कीता, इहनां ने कौम वास्ते कीता है। तो कौम वास्ते जिन्हां ने किया उन्हां नूं रिहा क्यों नहीं किया जा सकता? ये सरासर इस भारत की सरकार की खोट नीति जिहड़ी खोटी है, तो जान करके सानूं टारगेट करते ने, फिर कहणगे भी वो खालिस्तान बनते ने करते ने, फिर की करनगे? जे इस तरह सानूं इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर की होएगा? फिर पंजाब वाले उठणगे ही, क्योंकि पंजाब दा मतलब कि राम रहीम नूं इस तरह परोल ते छड्डिया गया कि वह सही है, इन्हां नूं नहीं छड्डिया जा रहा कि यह गलत आ। वेखो, एक राम रहीम जिहड़ा है वो अपने ही डेरे की जिहड़ी उहदी चेली है उहदे नाल खेह खाधी, तो उस मर्डर केस दे विच जेल दे विच गया, तो उहनूं साल क बाद पहलों उहनूं परोलां दित्तियां जा रही। वह क्यों दित्तियां जा रही? भी उस बंदे ने पंजाब हरियाणे दे विच अग लाई, पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी नरादरी उहदे टोले ने कीती है। तो असी कल भी उत्थे बहबल कलां मोड़ दे उत्ते जिथे मोर्चा लगा उत्थे गए सीगे, तो उत्थे पंजाब सरकार दे स्पीकर भी उत्थे आए सन। असी ये भी एक मंग जिहड़ी साडे कोल हैगी आ भी जिहड़े लोकां ने उत्थे गोली चलाई है, प्रकाश सिंह बादल ने आर्डर दिते है, ये गल मैं नहीं कहिंदा, समेत सैनी कह रहा जिहड़ा DGP सी उस टाइम ते, वह कहिंदा मैनू CM ने ते उहदे मुंडे ने आर्डर किए ते मैं मारे गोलियां जिहड़ियां चलाईयां। इहदा मतलब 307 दा जिहड़ा परचा कोटकपूरे दे विच लगा है उत्थे जिहड़ा होया 129 ते 307 उहनूं क्यों नहीं फाइल करदे उत्थे अदालत विच जाके, क्यों नहीं भेजदे? ते उस वेले साडे नाल वादा करके गए कुलतार सिंह स्पीकर पंजाब दे, भई असीं उहनूं फाइल कर देंगे। असीं 15 दिन दा अस्टीमेटम उत्थे दित्ता, अल्टीमेटम
ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 117 ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ 117 ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਘੰਟੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ AG ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ AG ਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਸੁਮੇਧ ਬਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ AG ਲਾ ਤਾ, ਵੱਡਾ ਲਾ ਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, DFL ਚੱਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।